सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज यूट्यूब चैनल में दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय बीकाजी कामा प्लेस की तरफ से 20 अगस्त 2018 को एक लेटेस्ट ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, इस जो ऑफिस मेमोरेंडम का सब्जेक्ट है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैनर ऑफ डिस्पोजल ऑफ पीपीओ, डेथ ऑफ द पेंशनर विद नो क्लेमेंट एंड क्लेमेंट ऑथराइज्ड फॉर फैमिली पेंशन इन द सेम पीपीओ। तो यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसके जिसका जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है उसमें यदि कोई वैलिड नॉमिनेशन नहीं है, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद में फैमिली पेंशन प्राप्त करने वाला, तो उस केस को किस तरीके से डिस्पोज किया जाएगा और किसको फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा, तो इसी के बारे में ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। तो इसके वीडियो बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो हम बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे, सूचना अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर करें, जिससे उन तक ये जो खबर है पहुंच सकें और वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, इससे पहले भी सीपीओ की तरफ से कई बार आदेश जारी किए गए हैं और इसमें उन्होंने उसका जिक्र भी किया है। 23 सितंबर 2014 को उसका कॉपी भी यहाँ पर उन्होंने लगाया है और उसके अकॉर्डिंग यदि किसी पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है तो सभी जो बैंकों के हेड्स हैं या फिर सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल्स के जो हेड हैं उनको ये निर्देश दिए जाते हैं कि उनकी ड्यूटी बनती है कि जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है यानी पीपीओ है उसकी दोनों कॉपियों को केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय बीकाजी कामा प्लेस को भेजा जाए जहाँ पर कोई भी नॉमिनी नहीं है फैमिली पेंशन प्राप्त करने वाला। लेकिन जो बैंक हैं या फिर सीपीपीसी हैं वो इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से फैमिली पेंशन का समय पर शुरुआत या फिर फैमिली पेंशन का समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है और फिर जो डिपेंडेंट्स हैं कुछ पेंशनर्स के वो कोर्ट में चले जाते हैं और उसकी वजह से सीपीओ को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द बोथ हाल्व्स ऑफ द पीपीओज आर नॉट बीइंग रिटर्न्ड बाय द सीपीपीसीज ऑफ द बैंक्स व्हिच हैज रिजल्टेड इन ए नंबर ऑफ कोर्ट केसेज फॉर डिले इन द कमेंसमेंट ऑफ फैमिली पेंशन टू द फैमिली मेंबर्स अदर देन द स्पाउस। यदि स्पाउस का, क्योंकि जो नाम है वो नॉर्मली पीपीओ में होता है और यदि स्पाउस का नाम पीपीओ में नहीं है तो जो भी उनके डिपेंडेंट्स हैं उनको किस तरीके से फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा, तो इसका सारा जो प्रोसेस है वो डिले हो जाता है क्योंकि जो बैंक हैं वो एक पेन जो पेंशनर है उसकी कॉपी और उनके पास में जो एक पीपीओ का एक आधा हिस्सा होता है उसको सीपीओ को नहीं भेज रही है। तो इसी की वजह से ये इन्होंने सभी सीपीपीसी और बैंकों को निर्देश दिया है कि ऐसे सभी मामले जिसमें पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में कोई वैलिड नॉमिनेशन नहीं है तो जो पीपीओ के जो दोनों कॉपी हैं या जो दोनों पार्ट हैं उनमें ये एंट्री करके कि पेंशनर्स की जो मृत्यु हो गई है उसकी डेट है उन्हें एंट्री करनी है और उसके बाद में जो दोनों कॉपी हैं उनको या तो पीओ को या फिर एजी को भेजना है और एजी या फिर पीओ है वो उसको आगे फॉरवर्ड करेगा और उसके बाद में जो भी एलिजिबल या फिर जो योग्य डिपेंडेंट्स है फैमिली पेंशन प्राप्त करने वाला उसको फैमिली पेंशन का भुगतान यहां पर कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये सभी बैंकों को निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं सीपीओ के द्वारा कि ऑल द हेड्स ऑफ द सीपीपीसी एंड हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस डिपार्टमेंट द बैंक्स आर रिक्वेस्टेड टू अडहर टू द अबव गाइडलाइंस एंड रिटर्न बोथ हाल्व्स ऑफ द पीपीओज टू द सीपीओज इन ऑर्डर टू अवॉइड डिले इन फाइनलाइजेशन ऑफ फैमिली पेंशन केसेस अदर देन स्पाउस। तो इसका फायदा भी ये होगा कि स्पाउस के अलावा जो अदर मामले हैं उनमें फैमिली पेंशन समय पर शुरू हो जाएगी और जो डिपेंडेंट्स हैं उन्हें किसी भी तरीके का जो दिक्कत है उनका सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं सूचना आपके लिए जरूर यूजफुल रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें और ऐसी ही लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।